हेलो दोस्तों, क्या हाल है मेरे सभी प्यारे कबूतरबाज भाई को। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे कबूतरबाज भाई लोग बढ़िया होंगे और आपकी कबूतरबाजी बढ़िया मस्त चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपका भाई आ चुका है आपके लिए एक वीडियो लेके। तो आपको तो पता ही, जैसे कि विंटर्स चालू हो चुके हैं और काफ़ी पहले ही चालू हो चुके हैं, हम विंटर के बिल्कुल बीच में आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अपने कबूतरों का लॉफ्ट जो है आप लोग कैसे ढकें। काफ़ी लोगों ने ढक लिया हुआ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं ढका भाई वो ढक लो। और पिछली बार मैंने जो है पन्नी से ढक के दिखाया था आपको, एक पॉलीथीन में ख़रीद के लाया था, और ये वाला जो लॉफ्ट का गेट है और ये, इन दोनों को बिल्कुल पैक कर दिया था। थोड़ा कैमरामैन हमारा कैमरा जो है सही से पकड़े, हाँ यूँ। तो पिछली बार जो है मैंने आपको ढक के दिखाया था पॉलीथीन से, अब की बार मैं ढकूंगा जो सूती के कट्टे होते हैं ना, बोरे जिन्हें कहते हैं ना भाई, बोरे कहते हैं ना, सूती के जो बोरे होते हैं उनसे ढक के दिखाऊंगा ये दोनों लॉफ्ट। वैसे मैं ढकता हूँ, उधर दिखाओ थोड़ा, नहीं दिख रहा है, ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं इनसे मैं ढकता हूँ। जब मैंने वीडियो बनाने के लिए अब तक वो लगाए नहीं, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, थोड़ा आप कबूतर भी दिखाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी मस्त मस्त वीडियोस में बनाते रहना। तो कबूतरों की कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सूती के बोरे जो है ना 5-10 रुपये के आपको मिल जाएंगे, सब्जी मंडी में आप जाओगे ना, फल वालों को, आलू के कट्टे होते हैं वो। अब थोड़ा गेट दिखाया जाए, नया कैमरा मैन मैंने थोड़ा हायर करा है, तो आप सब्जी मंडी में जाओगे ना तो आपको आलू के कट्टे मिल जाएंगे, 10 रुपए के मिल जाएंगे। ऐसे फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन हमें पैसे देने पड़ गए, तो 50 रुपए के हमने दो कट्टे मंगाए हैं और एक तीसरा फ्री में मिल गया था साथ में, तीन कट्टे मान लो 50 रुपए के। तो इसके अंदर लगाएंगे, ब्रीडिंग वालों में भी लगाएंगे, कबूतरों के उड़ने वालों में भी लगाएंगे। तो आपको दिखाते हैं, हम कट्टे लेके आते नीचे से और लगा के दिखाते हैं, और अगले साल मैं आपको ढक के दिखाऊंगा, गत्ते से ढक के दिखाऊंगा। इस पिछली बार मैंने ढके थे पन्नी से, अब की बार ढक रहा हूँ मैं कट्टे से, और अगली बार 2023 की ठंड में नवंबर दिसंबर में मैं आपको ढक के दिखाऊंगा उससे, क्या कहते हैं, कार्टून से, गत्ते से। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेके आते भाई कट्टे। ओके, तो दोस्तों जो हमारी बोरियाँ हैं वो आ चुकी हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेके आओ यार। सारी लिया यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, ये वाली बोरियाँ हैं जो कि हम अपने लॉफ्ट में लगाने वाले हैं। देखो इसको खोल के दिखाओ पूरा, मतलब ऐसे में, हाँ दिखाओ दूर से। देखो दोस्तों, ये होती हैं बोरियाँ, सूती की बोरियाँ जिन्हें कहते हैं। आपने देखा होगा यार सब्जी मंडी में, इनके अंदर आलू आते हैं, ठीक है। एक रख दो, इसे नीचे रख दो, और दो ये ली, ठीक है। और ये जो कलर होता है ना, एक सेकेंड, मेरे को एक चीज़ और याद आई, जो ये वाला कलर होता है ना, ये इन कट्टों पे जिससे लिखते हैं, ये वाला कलर बहुत पक्का होता है दोस्तों। अगर ये आपको मिले ना, तो इसी की मैं बात करता था, कभी भी आपने रंग वाली वीडियोस में देखा होगा, ये वाले जो कलर होते हैं ना, ये बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी कबूतरों को लगाने वाला रंग चाहिए, तो आप लोग बोलना कि वो जो बोरियों पर रंग लगा होता है ना, रंग लगाते हैं वो वाला रंग दे दो। देखो ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है। तो ये तीन बोरियाँ हैं, ठीक है। पहले तो आप, अगर आपको ये बोरियाँ चाहिए तो आप सब्जी मंडी में जाना, जहाँ भी आपके वहाँ सब्जियाँ मिलती हो, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। पहले तो आप फ्री में मांगने की कोशिश करना, बोलना फ्री में दे दो, अगर फ्री में मिल जाता तो ठीक है, वरना आप 10-20 रुपये दे के, 10-5 रुपये दे के बोरियाँ ला सकते हो। तो ये बोरियाँ लगानी है हमें, और देखो अब हम लगाएंगे कैसे, जो दो है ना बोरियाँ, ये लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जब लगाएंगे तो हम आपको बता देंगे, एक नीचे लगाएंगे और ये दूसरी वाली जो ऊपर लगाएंगे। और हमें बोरियाँ काटने का मन नहीं कर रहा, अगर आपके पास एक ही है ना तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं इसमें करके दिखाऊंगा, आप इसको यहाँ से फाड़ दो और वहाँ से फाड़ दो, बीच में से मत फाड़ना, इसे खोलोगे ना तो दो हो जाएंगी। अब आप लोग बोलोगे, मनीष भाई आपने स्पेशल यही बोरियाँ क्यों चुनी, तो इसके अंदर क्या है ना कि मस्त अपना थोड़ा बहुत वेंटिलेशन हो जाता है, बिल्कुल आपको पैक नहीं करता, जैसे पिछली बार मैंने भी गलती कर दी थी। देखो इंसानों से गलती होती है, पिछली बार मैंने क्या करा था ना कि पूरा पैक कर दिया था पन्नी से, तो आपको ऐसा नहीं करना। इस बार आपको मैं ये खोल के लगाऊंगा इस वाले लॉफ्ट में खोल के लगाऊंगा मैं, और इन वालों में एक ऊपर लगा दूँ, एक नीचे लगा दूँ। तो जब मैं लगाऊंगा ना, तो उस टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी तो कोई है नहीं मेरे पास, जिस टाइम मैं लगाऊंगा तो उस टाइम वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग देख लेना कि हाँ भाई कैसे बोरियाँ लगती है और कैसे नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, टाइम पास करते करते आज से कल हो गई, मतलब ये नेक्स्ट डे, अगला दिन है, और भाई अभी तक जो है दोनों में से किसी भी लॉफ्ट के गेट में वो बोरियां नहीं लगी, ठीक है। और अभी इस वक्त मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो यार
अकेले देखता हूँ कैसे लगते हैं, वीडियो तो मैं बना पाऊँगा नहीं, आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा कि हाँ भाई कैसे लगाते हैं। तो ये लेंटर वाली तार है, आप ले आना सरिये जिससे बांधते हैं, और ये प्लास है, और इन दोनों चीज़ों की हेल्प से, इन दोनों की मदद से ही मुझे लगाना है इसके अंदर गेटों में, ठीक है। और ऐसे स्टाइल से लगाना है कि दोपहर में इसे उठा के रखूं और जैसी शाम हो कबूतर बंद करने का टाइम तो इसे नीचे कर दूं। तो देखता हूं भाई कैसे लगता है, अकेले लगा रहा हूं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। बाकी बहुत आसान सी चीज़ यार, बस वही तो लगाना है। तो मैं लगाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि हाँ भाई कैसे लगा है कैसे नहीं। जब तक आप थोड़ी देर वेट करें और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं करा तो, ठीक है। तो मैं लगाना स्टार्ट करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। ओके, तो दोस्तों हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, हमारे जो कट्टे हैं वो दोनों लग चुके हैं दोनों गेटों में। ये बिल्कुल मस्त जिसे बोलते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से लगा है, लेकिन वो थोड़ा बेकार सा लग गया, मैंने ऐसे ही लगा दिया। मैंने चलो यार वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है भाई, 3-4 दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और बन नहीं रही, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करा, तो आपको दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। तो और हाँ, इसमें ना लेंटर वाली तार जो है ना वो कम पड़ गई थी, तो देखो मैंने क्या लगाया इसके अंदर, मैंने तांबा लगाया। अब भाई कुछ था नहीं, तो देखो तांबा लगाना पड़ गया, मैं देखो तांबा है इसके अंदर लगाया मैंने, तो आपको दिखाता हूँ मैंने लगाया कैसे। इसमें तो थोड़ा बेकार सा लग रहा है, तो ठंड से ही तो बचाना है यार, कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में थोड़ी ना जा रहे हैं हम। तो ये देखो हमारा पूरा लॉफ्ट है, कबूतर भी उड़ रहे थे हमारा भी, आपको दिखाता हूँ कबूतर, ये देखो, ठीक है। और ये रहा हमारा लॉफ्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगाया मैंने, फटाफट से लगा दिया। देखो ये पूरी दोपहर भर तो ये खुला रहेगा, और जैसे अंधेरा हुआ ना वैसे बंद हो जाएगा। अलग ही टेक्निक से लगाया भाई, टेक्निक काम नहीं आएगी क्या, ये देखो ऐसे बंद हो गया, ठीक है। और हल्की हल्की गैपिंग दिख रही है, होगी आप लोगों को, वो तो भाई इतना चाहिए हवा पास होने के लिए। और आप लोग बताना अगर, और ये देखो कपड़ों का क्या हाल हो गया मेरे, ऐसे लग रहा है, देखो कपड़ों का हाल देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई जर्मन शेपर्ड डॉग पाल रखा और उसके पूरे बाल हैं। तो आप लोग अगर बताना कोई कमी होगी तो, कोई कमी रह जाएगी तो, ये देखो बिल्कुल ये उसकी तरह खुलता है, ये देखो ऐसे पूरा हो गया, ठीक है। ये अपने उड़ने वाले कबूतरों का हो गया, और ये अंडे बच्चे वालों का मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा बकवास सा है, बेकार सा है, लेकिन भाई मैंने आपको बताया कि ठंडे से कबूतरों को ही तो बचाना है यार, कौन सा वो बेकार सा लग रहा है लेकिन बढ़िया है अपना ऐसे, ठीक है, मस्त है भाई, भाई ठंड से ही तो बचाना है यार अपने को, वो थोड़ी ना करना है कोई, ठीक है। और मतलब ये जल्दबाजी में मैंने लगा दिया वीडियो को, और ये देखो तांबा लगा रखा है यहाँ पे, खुल जा भाई, ये देखो ऐसे लगेगा। और हल्की हल्की जो गैपिंग है ना, ये मैंने जानबूझ के छोड़ दी, देखो यहाँ पे हल्का सा गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे हल्का सा गैप दिख रहा होगा, और देखो ये है पूरा अपना जो लॉफ्ट है पूरा ढक चुका है। और बाकी ये नहीं है कि मैंने ठंड, इतने दिनों से ठंड में ही रख रहा हूँ कबूतरों को, ऐसी बात नहीं है भाई, पहले मैं ये कपड़े लगाता था इसके अंदर, और आज से ये लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप भी लगा सकते हो अगर आपको अपने कबूतरों को ठंड से बचाना है, तो आप ऐसे बोरियां लगा सकते हो आलू की, सब्जी मंडी में जाओगे कितने रुपए की मिल जाएगी भाई, 20 रुपए की एक या दो, अच्छा तो 20 रुपए की एक मिल जाएगी। पहले आप कोशिश करना फ्री में मांगना सब्जी मंडी में जाके, फ्री में ना मिले तो आप गांधी जी दे के ला सकते हो, पैसे दे के ला सकते हो। तो बस यही थी वीडियो, कबूतर उड़ रहे हैं क्या, ये देखो दोस्तों कबूतर। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने जो अपने कबूतरों को सर्दी से बचाने का ढकने वाला बचाव जो भी करा आपको पसंद आया हो आप भी कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर ही देना, वैसे तो आपने कर ही दिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर नहीं करा तो यार कर देना लाइक, और सभी कबूतरबाज भाइयों में वीडियो शेयर कर देना, जितने भी आपके कबूतरबाज कॉन्टैक्ट है, कबूतरबाजों में कॉन्टैक्ट है, सबको वीडियो शेयर कर देना, और उनको भी बताना कि भाई वैसे तो सबको पता ही होगा तो ऐसे ढक सकते हैं, ठीक है, और गत्ते से भी ढक सकते हैं, पन्नी से भी ढक सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सबको वीडियो शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना और मैं कैसी कैसी वीडियोज़ बनाऊँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना भाई।